श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमो अध्यायः। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। पार्थ, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यो माम अजमनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। पार्थ, जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम् चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानम यशो यशः अवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। हे पार्थ, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। हे पार्थ, सात महर्षि जन, चार उनसे भी पूर्व में होने वाले सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन
युज्यते अनात्र संशयः। पार्थ, जो पुरुष मेरी इस परमैश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अहम् सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भाव समन्विताः। और मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करते हैं। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च माम् नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। पार्थ, निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। शाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। पार्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान दीप के द्वारा नष्ट कर देता। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन बोले, हे केशव, आप परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवन्, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही जानते हैं।
स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। वक्तुम अरहस्य शेषेण दिव्याह्यात्म विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हे केशव, इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवन, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादेश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। आदित्यानामहं विष्णुर् ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। पार्थ, मैं अदित के 12 पुत्रों में, विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, तथा मैं 49 वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हे पार्थ, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, और भूत
समस्त प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। पार्थ, मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पार्थ, मैं महर्षियों में भृगु और शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पहाड़ हूँ। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। पार्थ, मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। उच्चैः श्रवसं अश्वानां विद्धिमाम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। पार्थ, घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैः श्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्यों में मुझको तू राजा जान। आयुधानामहं वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। पार्थ, मैं शस्त्रों में वज्र और गौओं में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव हूँ और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। अनंतश्चास्मि नागानां वरुणो याद सामहं पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। पार्थ, मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में अर्यमा नामक पितर तथा शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हे पार्थ, मैं दैत्यों में प्रह्लाद और गणना करने वालों का समय हूँ तथा
पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ। पावनः पावताम अस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् शशाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पार्थ, मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूँ तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी पवित्र गंगा जी हूँ। सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। अक्षराणाम कारोऽस्मि द्वंद्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। पार्थ, मैं अक्षरों में अकार हूँ और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्षनारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। पार्थ, मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम् मासानाम मार्ग शीर्षोहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। पार्थ, तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्ग शीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं ही हूँ। द्यूतं छलयताम् अस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। पार्थ, मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। मैं जीतने वालों का विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनां पुष्णा कविः। पार्थ, वृष्णवंशियों में मैं वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा हूँ। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। दंडो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनम् चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम् ज्ञानवतामहम्।
पार्थ, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूँ, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूँ और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विनायकस्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। यद्यत् विभूति मत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। पार्थ, जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमो अध्यायः।